हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक सोर्स। तो आज हम अपने जो सीपीयू की मॉडिफिकेशन के लिए हमने कुछ पार्ट जो अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे वो हमारे आ चुके हैं, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने अपने सीपीयू के लिए ये फ़ैन ऑर्डर किया था कूलिंग मास्टर, तो इसका जो नाम है वो A30 है एनटेक का। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सेकंड जो हमने मंगवाया था वो हमारा ये है सीपीयू का RGB फ़ैन। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हमें ये फ़ैन लगाना है और जो प्रोसेसर के सीपीयू के ऊपर रहेगा, जो हमारे चिपसेट के ऊपर रहेगा, वो फ़ैन ये रहेगा। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि इसकी हमें इसके अंदर क्या क्या मिलेंगे, तो हम इसको ओपन करते हैं जो कि हमने अमेजोन से मंगवाया था। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इसमें एक तो इसके जो स्क्रू है वो मिलेंगे, सेकंड जो ये फ़ैन है फ़ैन मिल जाएगा। फ़ैन के साथ इन्होंने अंदर जो RGB लाइटिंग दी रखी है वो है, और उसके साथ इसका प्लग इन है। तो मतलब ये नॉर्मल फ़ैन है जो हम CPU के अंदर लगाएंगे अपने बैक की साइड, ताकि हमारा जो CPU है वो ठंडा रहे। सेकंड, अगर ये तो हमारा ये हो गया, और अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आप पूरा देख सकते हैं, पूरी तरह से कवर है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, हम इसको देखेंगे इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी जो सील है उसको सबसे पहले ओपन करेंगे। तो जैसे कि इसके ऊपर इसका स्टिकर लगा हुआ था जो कि एक्रो इंजीनियरिंग कंपनी का है, जो इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस है वो 1999 है, 1999। बट हमने इसको अमेजोन से सिर्फ 853 पता नहीं कुछ ऐसे जो कि एक डील चली थी उस पर मंगवाया है। तो हम करते हैं इसको ओपन। यहाँ पर इसकी पैकिंग देख सकते हैं, एनटेक ओरिजिनल। तो हम इसको करते हैं ओपन। तो हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें दिखेगा जो कि हमारा मैनुअल है, मैनुअल दिखेगा कि हमें इसको कैसे और कैसे प्लग इन करना है। इसमें सब कुछ इसका मैनुअल दे रखा है, कंपोनेंट्स दे रखे हैं। और सेकंड, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। इसकी मतलब जो पैकिंग है वो पैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दे रखी है। अब तो आप देख सकते हो इन्होंने पैकिंग दे रखी है, इसके ऊपर भी इन्होंने प्लास्टिक की वो दे रखी है। इस पर लिखा है वार्निंग, रिमूविंग बिफोर इंस्टॉलेशन लोकेशन। मतलब जब इसको इंस्टॉल करेंगे तब हमें इसको रिमूव करना है, और इसको अच्छे से पैक करके इन्होंने दिया है। तो देख सकते हो एनटेक का हमें ये मिला है जो हमें CPU के ऊपर प्लग इन करना है। इसकी जो पावर केबल है, पावर केबल ये रही, और पावर केबल है इसकी A30 CPU। तो मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। आप देख सकते हो कूलिंग मास्टर का, मतलब अपने CPU को कूल करने का सबसे अच्छा। और मॉडिफिकेशन अगर CPU की करेंगे तो उसके लिए भी मतलब CPU में लगवा बहुत ही अच्छा लगेगा। बट मेरे को ये नहीं पता इन्होंने इसमें RGB लाइट दे रखी है या नहीं दे रखी, वो हमें लगाने के बाद भी पता चलेगा कि इसमें लाइट्स है ये विदाउट लाइट्स है। तो इसकी अगर हम दूसरी डब्बे के अंदर और देखिए कि हमें डब्बे के अंदर क्या मिला है। डब्बे के अंदर हमें एक ये मिला है, और उसके कुछ स्क्रूज हैं, और एनटेक की हमें जिसमें पेस्ट, थर्मल पेस्ट आई थिंक वो मिला है। मतलब सब ओके। तो इसको हम अपने CPU में लगाएंगे, और CPU में लगाने के बाद आपको वीडियो ज़रूर देंगे, तो वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने RGB लाइट्स जो हमारी थी उसको हमने इंसर्ट कर दिया, जो कि हमारी इस तरह दिख रही है कैबिनेट के अंदर। और सेकंड, जो हमारा प्रोसेसर का फ़ैन था उसको भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। आप देख सकते हो उसमें ब्लू कलर की लाइटिंग है, और जो CPU का फ़ैन है ये बहुत ही अच्छा है, जो कि लुकिंग अच्छी दे रहा है हमारे CPU को जो अंदर इंस्टॉल्ड है। और सेकेंड, जो ये RGB फ़ैन था वो भी अच्छा दे रहा है। तो बने रही चैनल पर और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।